कैसे आप अपनी ह्यूमन क्वालिटीज़ को अच्छा करके आ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं मेरे को चार साल की उम्र में पोलियो हो गया था लेकिन मैं इतना डिटरमाइंड था कि ये मेरे मेरे को कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं मैं हैंडी कैप्ट हूँ आपको फोकस क्लियर करना है कि वांट यू वांट टू बी इन योर लाइफ तीन सौ रुपए की नौकरी से एक छोटी दुकान खोल के फिर मैंने बीस लाख स्क्वायर फीट का एक बड़ा आ, रिटेल चेन स्टार्ट किया अगर आप अपने सपने के पीछे लगे रहो और आप रास्ते नहीं बदलो तो मेरे ख्याल से कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आ, कैसे आ, आप अपनी ह्यूमन क्वालिटीज़ को अच्छा करके आ, लाइफ को अच्छा कर सकते हैं आ, आपकी लाइफ को और लाइफ एज ए होल पूरे ह्यूमैनिटी की लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं तो सबसे पहले ह्यूमन क्वालिटी में छः सात बातें आती है और उसमें पहली बात है कि हेल्थ तो मैं जब बचपन में सत्रह साल का था मैं एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ और सत्रह साल का था तब से मैं एक्सरसाइज करता हूँ ऑन एंड ऑफ मैं डेढ़ घंटे करीब करीब डेली योगा एक्सरसाइज वॉक वगैरह करता हूँ तो मैं पिछले दस साल से मेरे ख्याल से केवल दो बार मेरे को बुखार हुआ होगा दस साल से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा और ये जो एक्सरसाइज करने से आपका डॉपमाइन लेवल हर समय दिमाग में केमिकल होता है डॉपमाइन वो आपका हर समय डॉप लेवल अपडेटेड होता है जिससे कि आपको आगे कुछ भी करने के लिए पैशन मिलता है आप किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहते हैं तो मैं ऑल अलोंग माई लाइफ मैं शुरू से ही सोचता हूँ कि बचपन से लेके आज तक मैं हर चीज़ के लिए बहुत पैशनेट रहता था मैंने एक्सरसाइज सत्रह साल से चालू किया और आज मैं फिफ्टी फोर ईयर्स का हूँ एंड यू कैन सी माई फिजिक कि चौवन साल में भी आज मैं बहुत आ, 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 फिजिकली फिट हूँ और लास्ट दस साल से मैं बीमार बहुत कम बीमार पड़ता हूँ क्योंकि मैं योगा करता हूँ जिम जाता हूँ और वॉक करता हूँ स्विमिंग करता हूँ आई एम वेरी एक्टिव फिजिकली दूसरी बात कि आपको ट्रूथफुलनेस आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका एक आ, कोई भी चीज़ आप सही ट्रूथफुल है जैसे ट्रूथफुलनेस का मैं आपको उदाहरण देता हूँ मेरी लाइफ में कि मैंने मेरी मेरे प्रॉब्लम हुआ लाइफ में मैंने मैंने विशाल मेगा मार्ट बहुत पैशनेटली खड़ा किया Uh, मेरे ख्याल से तीन सौ रुपये की नौकरी से एक छोटी दुकान खोल के फिर मैंने uh, बीस लाख स्क्वायर फिट का एक बड़ा uh, रिटेल चेन स्टार्ट किया जो कि मैंने uh, इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था और uh, वो uh, करीब करीब उसका uh, वैल्यूएशन दो हज़ार करोड़ रुपये हो गया था लेकिन uh, केवल पैसन से काम नहीं चलता है कुछ कमियाँ मेरा uh, कुछ कमियों के कारण मे, मे, मेरा वो कंपनी मेरे को बेचना पड़ा हाँ उसमें उसमें मैं इमेच्योर था इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसज इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ टीम बिल्डिंग तो वो जो कमियाँ कमियों के कारण मेरे को वो कंपनी बेचनी पड़ी लेकिन फिर भी मेरे 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 अंदर वो परसिस्टेंस वो पैशन था कि मैंने वापस से वो कंपनी खड़ी कर ली और आज मैं फिर से 1300-1400 करोड़ का वैल्यूशन uh, का कंपनी मैंने वापस से खड़ी कर ली ट्रूथफुलनेस का क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ कि Uh, मैं uh, मेरे को दस करोड़ रुपए मिले जब मैंने कंपनी बेची थी और वो मेरे को अंडर द टेबल भी मिल सकते थे लेकिन मैंने वो दस करोड़ रुपए इसी कंपनी में लिए और मैंने इस कंपनी को किल नहीं किया और और मैंने बोला कि नहीं मेरे जिन शेयर होल्डर ने पैसा खोया है इस कंपनी में विशाल मेगा मार्ट में उन्हीं शेयर होल्डर को मैं वापस फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं तो मैंने उसी कंपनी में वापस बिजनेस किया और आज आज वापस से उस कंपनी का वैल्यूएशन 1300-1400 करोड़ रुपया है जिसमें कि 700 करोड़ रुपया मैंने शेयर होल्डर जो 50 परसेंट शेयर होल्डिंग मार्केट में था तो उनके साथ शेयर किया हो सकता है वो ट्रूथफुलनेस के कारण ही आज मैं वापस खड़ा हो पाया तो आप कभी भी जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रूथफुलनेस को मत छोड़ी तीसरी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि परसिस्टेंस हार्डवर्क ये सब कितनी जरूरी है जीवन में कि अगर अगर मैं हार मान लेता बहुत लोग बहुत कम लोग एक बार डिबेकल होने के बाद वापस से अपने आप को खड़ा कर पाते हैं लेकिन मैं मैं मेरे को कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं मैं मेरा कुछ निकल गया है मेरे को मालूम था कि इस इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है उससे मैं वापस कुछ भी खड़ा कर सकता हूँ और और मैंने वापस अपना अपने अपने बीबी का म्यूचुअल फंड का बीस लाख रुपये पैसा था वो लेके अपने दोस्तों से वापस कर्जा लेके और वापस मैं, मैं मेरा बीवी बोलता था कि यार ये बीस लाख रुपया बच्चा है हाँ इसको भी आप लगा दोगे कहाँ कहाँ मैंने कैसे फिर अपने आगे जीवन जियेंगे लेकिन आई वॉज सो कॉन्फिडेंट मैंने वापस बिजनेस चालू किया और आज फिर वापस आ, मेरा बिजनेस अभी मैं मेरे ख्याल से इस साल 900 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा और आगे मैं मैं मैं, आ, मैं ऐसा विजन बना रहा हूं कि हो सकता है अगले पाँच साल में मैं यूरोप और अमेरिका में जाकर और प्राइम मार्क को टक्कर दूं तो आपको हर समय डिटैच रहना है आपको एम फॉर द हाइएस्ट बट आप आप हैप्पी विद द वॉट एवर यू आर हैविंग मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि मैंने ये ये बात जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट की है मेरे को याद है जब मेरा uh, वहाँ पे कलकत्ता में टाइगर सिनेमा हॉल में मेरा एक दुकान था और मेरा इनकम टैक्स का रेड हुआ था तो uh, लोग इनकम टैक्स का रेड वगैरह होने से लोग विचलित हो जाते हैं हाँ लेकिन मैं कुछ विचलित नहीं हुआ मेरे को मालूम था कि मेरे को कभी भी पैसे से मोह नहीं हुआ लेकिन लेकिन कभी भी अटैचमेंट मैंने नहीं किया मैं मे, मेरे मे, मैं एक और उदाहरण देता हूँ अटैचमेंट का मेरा मेरा टाइगर सिनेमा हॉल में मेरा बिजनेस इतना अच्छा चलता था वहां पे 22 करोड़ रुपए की सेल केवल तीन हजार स्क्वायर फीट में मेरे दुकान में होती थी लेकिन वहाँ यूनियन प्रॉब्लम हुआ यूनियन प्रॉब्लम होने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई मैं बोला मेरे को ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़नी है मैंने बोला मैं ये दुकान छोड़ना चाहता हूँ वो मेरे लिए उस समय आ, आ, सोने का अंडा देने वाला बिजनेस था लेकिन मैंने ओवरनाइट उस बिज़नेस को छोड़ दिया मैंने बोला नहीं मैं छोड़ता हूँ और मैं दिल्ली आ गया छोड़ के हाँ तो मैं मैं छोटी छोटी लड़ाइयों में विश्वास नहीं करता हूँ मैं मैं बड़ी लड़ाइयों में विश्वास करता हूँ कि हाँ मैं वापस से और आ, मैंने दिल्ली आके वापस से बिजनेस बहुत बड़ा बिल्ड कर लिया तो परसिस्टेंस आपको विश्वास सेल्फ बिलीव एंड डिटैचमेंट ये सब बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी में और इससे आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है इसके बाद एक क्वालिटी है कि आपका एम्पैथी हाँ मैं एम्पैथी का एक बात बताऊंगा कि आपको टीम बिल्डिंग आपको एम्पैथी कितनी ज़रूरी है आपके जीवन में कि मेरे को याद है जब मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल कलकत्ते में चलता था तो मैं एक छोटे से मेरा मेरा 600 स्क्वायर फीट का घर था जिसमें हम लोग कम से कम 18 लोग रहते थे तो आ, मेरे को आ, मेरा दोस्त बोला कि तू यार इतना कमाता है तू एक छोटे से घर में बिना ए के रहता है तो मैंने उसको ये जवाब दिया और ये सब सच है कि मैंने उसको यही जवाब दिया कि जब तक मेरे साथ ये लोग जो चार पांच मेरे मैनेजर्स हैं जो मेरे मेरे साथ मेरी कंपनी में दिन रात लगे रहते हैं जब तक उनके घर में एसी नहीं आएगा तब तक मैं अपने रूम में एसी नहीं लगाऊंगा तो दैट इज़ इस...

हर रिलेशनशिप में आपको देने का देने का सोच रखना चाहिए अब मैं आपको एक और क्वालिटी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा ह्यूमन क्वालिटी के वो है डिटर्मिनेशन मैं मेरे को चार साल की उम्र में पोलियो हो गया था लेकिन मैं इतना डिटरमाइंड था कि ये मेरे मेरे को कभी जीवन में लगा ही नहीं कि मैं मैं हैंडी कैप्ट हूँ मैं मेरे को याद है मैं बचपन से जब लोग छत पे क्रिकेट खेलते थे मेरे मेरे वो बिल्डिंग में तो मैं उनका लीडर था मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था मैं काइट फ्लाइंग करता था मैं 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 क्रिकेट टीम का कैप्टन था हम लोग विक्टोरिया क्रिकेट खेलने जाते थे मैं मैं स्विमिंग कर सकता हूँ मैं मैं फुकेट में जाके आज से बीस साल पहले मैंने फुकेत में बंजी जंप किया तो मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं मैं हैंडी कैप्ट मैं एक आम इंसान जो कर सकता है उससे ज़्यादा कर, कर अभी भी करता हूँ और ऑल अलोंग द लाइफ मैंने उससे ज़्यादा किया है तो इट इज़ आप कोई भी लाइफ में अगर आपको कोई कमी लगती है तो मेरे ख्याल से अगर आप डिटरमाइंड हो कि नहीं वो ऑब्स्टेकल को आप दूर कर सकते हो तो आ, मैं 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 आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो ऑब्स्टेकल आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है वो आपके लिए आपको आगे का इंस्पिरेशन बन जाएगी अगर आप डिटरमाइंड कि यस आई वॉन्ट टू डू दिस तो और इसका ये ज़िंदा उदाहरण है कि मैं मैं जीवन में एक आम आदमी जो कर सकता है मैंने सब किया है स्कूबा डाइविंग से लेके बंजी जंप से लेके और हर चीज़ में मैंने जीवन में इंजॉय किया है और और ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन से ये 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 सब हासिल मैं कर पाए एक क्वालिटी और कि आपके जीवन में आपको फोकस क्लियर करना है कि वॉन्ट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ मैंने जीवन में बचपन से मैंने तय कर लिया था मेरा विजन क्लियर था कि आई मेरे को इस पृथ्वी में ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कुछ डिफरेंस पैदा करना है मेरा सपना यही था कि भैया मैं मैनकाइंड का क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करूँगा और मैंने वहीं से शुरुआत की फिर मेरे को जिस दिन लगा कि नहीं इसके लिए बहुत पैसे चाहिए तो आई एम वेरी मच फोकस्ड कि अब मेरे को पाँच हज़ार करोड़ रुपया पॉकेट में चाहिए आई एम आई एम वर्किंग ऑन इट एंड मेरे को आज आज मेरी कंपनी का वैल्यून तेरह सौ चौदह सौ करोड़ रुपया है मेरे को लगता है कि इफ़ आई विल बी परसिस्टेंस ऑन ऑन माई विजन मैं फोकस्ड हूँ मैं पिछले तीस साल से मेरे ख्याल से कंपनी में ऑफिस में पहुंचने वाला सबसे पहला एम्प्लॉई या पहला इंसान होता हूं जो सबसे पहले पहुंचता हूं ऑफिस में तो और और मेरी ऑफिस में सवेरे सवेरे योगा होता है एक्सरसाइज होता है आधे घंटे का साढ़े सात बजे मेरी ऑफिस खुलती है और और मेरे मेरी ऑफिस में मैं ह्यूमन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेज होती है एक्सरसाइज uh, होता है तो पीपल uh, फील करते हैं कि यस yes, ये कंपनी है जो शेयर्ड uh, गोल के लिए काम कर रही है और हम जो मेरा जो मेरा जो गोल है वो मेरे इम्प्लॉयज के साथ शेयर्ड गोल है और वो लोग सब लगे हैं और uh, मेरे को पूरा विश्वास है कि ये कंपनी नेक्स्ट फेज में वर्ल्ड uh, uh, के स्टेज में बहुत बड़ी कंपनी बनेगी और जिस दिन uh, वो बनेगी उस दिन मैं अपने विजन को अचीव uh, कर पाऊँगा मैं एक यहाँ पर कहावत बोलूँगा मेरे मेरे एक अंकल थे uh, uh, धानुका जी उनका नाम है उन्होंने मेरे को बोला था कि कभी भी जीवन में आपके सपने नहीं टूटते हैं आप रास्ते बदल लेते हो अगर आप अपने सपने के पीछे लगे रहो और आप रास्ते नहीं बदलो तो मेरे ख्याल से कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो और मेरा विज़न ऐसा है जो मेरे को लगता है कि आ, माना इनफाइनाइट विजन है मेरा ये ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग आप लगे रहो जिंदगी भर भी तो ये आ, कभी भी इनफाइनाइट विज़न है ये कभी भी सैचूरेटेड नहीं हो सकता है तो मेरे को लगता है कि अगर मैं एक परसेंट भी इसमें अगर अचीव कर पाऊं तो मैं बहुत शांति से मरूंगा और मैं इससे यही कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि आप अपने विजन को क्लियर करिए कि आप क्या अटेंड करना चाहते हो क्या आपको हैप्पीनेस मिलता है आप क्या चीज़ में हैप्पी रहते हो और और उसको आप परसू करो उसके लिए हार्ड वर्क करो उसके लिए बहुत मेटिकुलसली प्लान करो उसका माइलस्टोन तय करो कि आप कैसे माइलस्टोन कैसे अचीव करोगे जैसे मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था या फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था मेरे पास टीम बिल्डिंग की बहुत अच्छी कैपेसिटी थी लेकिन मैं मेटिकुलसली प्लान नहीं किया स्मार्ट वर्क नहीं किया तो मेरा आ, विशाल मेगा मार्ट में मेरा डिबेकल हुआ लेकिन अब मैं जो सेकेंड इनिंग में वापस कर रहा हूँ इसमें मैं हर बहुत अच्छे जो मैनेजमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसज है वो आ, चाहे वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो टीम बिल्डिंग हो चाहे वो टीम ट्रेनिंग हो चाहे वो टीम इंस्पिरेशन हो इन बातों पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ और वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट और मैं 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 मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं नेक्स्ट फाइव ईयर्स में कहाँ पहुँच पाऊँगा दोस्तों मैंने अपनी आ, हिस्ट्री आपके साथ शेयर की इसका मकसद मेरे को अपना सेल्फ एडवर्टीजमेंट नहीं करना था मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं जो मैं अब आपके साथ आगे शेयर करूंगा जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से इस मैसेज को आ, 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 आगे बढ़ाइएगा मेरा मैसेज सिंपल क्लियर है कि हम सब मिल अपने अपने आ, जो सेल्फ डिसिप्लिन से जो अपनी सेल्फ़ क्वालिटी को इम्प्रूव करके और इस ह्यूमन रेस में मेरे ख्याल से अभी जो ह्यूमनिटी का ये सबसे अच्छा पीरियड है ह्यूमन एवोल्यूशन का सबसे अच्छा एरा है हाँ हम आ, आ, आज तक 2000 साल का इतिहास मैंने पढ़ा है आज तक जीवन में वर्ल्ड वार वन हुआ वर्ल्ड वार टू हुआ आ, उसने उसने उसके ऊपर अटैक किया उसने उसके ऊपर अटैक किया पूरा पूरा यूरोप का और अमेरिका का हर देश का इतिहास आप उठा के देख लीजिए वो उस देश ने उसके ऊपर अटैक किया उस देश ने उसके ऊपर अटैक किया अब मैं मैं समझता हूँ कि अब हम लोग एक ऐसे युग में आ गए हैं जहाँ जहाँ पे हमको एक नई शुरुआत करनी चाहिए एक नया 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 वर्ड क्रिएट करना चाहिए और वो नया वर्ड तो ऐसे क्रिएट हो सकता है कि हम वननेस के तरफ चले मैं लास्टली यही बोल बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी बात कुछ भी अच्छी लगी है हाँ तो आप आप प्लीज़ जुड़िए मैं चाहता हूँ कि मेरा अल्टीमेट एम यही है कि हम सब 700 बिलियन लोग हैं और हम सब अगर एक परसेंट भी अगर इस कॉच के लिए मेरे ख्याल से हर आदमी के दिमाग में यही है कि अपनी लाइफ कैसे सुधारें एज एज ए प्लान में लाइफ का क्वालिटी कैसे सुधरे तो इसका एक ही रास्ता है एवरी मोमेंट आई शुड आई शुड ट्राई टू बी ए बेटर बेटर प्लेस टू लिव थैंक यू थैंक यू सर इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें